सैयद अता हसनैन साहब जो कि सदस्य हैं एनडीआरएफ के, वो इस वक्त एनडीएमए के, माफ कीजिएगा, वो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी, सबसे पहले तो इतनी अच्छी खबर है, 9 मजदूरों की खबर आ रही है सर कि 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है, किस तरह की जानकारी देंगे? बहुत ज्यादा खुशखबरी है ये। मैं इनफैक्ट आपके पास खबर ज्यादा जल्दी आ रही है क्योंकि मैं खुद टेलीविजन पे हूं इस वक्त, तो मेरे पास, मैं किसी मोबाइल कॉल को नहीं ले रहा हूं, मगर आप ही के जरिए मुझे अब खबर मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आप खुशखबरी दे रही हैं, खुशखबरी जी, और आज तो पूरा देश ताली बजाएगा रेस्क्यू वर्कर्स के लिए। एम्बुलेंसेस की तस्वीरें आ रही हैं, सबको एक एक करके वहां से निकाला जा रहा है। कई मुश्किलें आई, पहले जो वहां मशीन थी वो काम नहीं कर पाई, फिर वहां की ऑगर मशीन काम नहीं की, अमेरिकी ऑगर मशीन का ब्लेड टूटा, कभी छड़े आ गई बीच में। तमाम मुश्किलों के बाद आज की सफलता की मिठास कुछ अलग ही है सैयद साहब। बेशक ये, मगर शायद सरकार कुछ दिनों से कह रही थी कि देखिए ये कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि बहुत जल्द से जल्द काम खत्म हो जाएगा। ऐसा अभियान जब होता है, लोग शायद समझ नहीं रहे थे कि चुनौती कितनी बड़ी है। ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी और देश के लिए चुनौती थी, इसके लिए लीडरशिप की जरूरत थी। पूरे सरकार को जितने रिसोर्सेज थे देश के, उनको इकट्ठा करके उनको लाना यहां पर, और ना ही सिर्फ लाना पर उसके बाद उनको एकजुट होकर काम कराना। मैं समझता हूं पिछले 17 दिन में जिस तरीके से 12 तारीख से एक एक करके नेशनल रिसोर्सेस को मोबिलाइज किया गया है, इसमें अलग अलग एजेंसीज हुई हैं। मैं लगातार बात कर रहा हूं इसका पीएमओ से, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, एमएम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एनडीएमए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, बिल्कुल। और इन सबके काम की वजह से जो सिनर्जी आई, एक साथ तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलकर काम किया। अमित, आपके लिए भी पर्सनली भी बहुत खुशी की खबर होगी। आशुतोष हैं, आप हैं, मौसमी भी अब पहुंच गई हैं, सबके लिए, क्योंकि लगातार हम लोग स्वस्थ हैं और बढ़िया तरह इनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है और एक एक इनको रवाना किया जाएगा हॉस्पिटल के लिए। सर आगे कहां ले जाया जाएगा और क्या प्रक्रिया होगी? अभी आगे की प्रक्रिया बता देंगे, अभी माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर है, वो अभी विस्तार से बताएंगे। हाँ, आधे घंटे के अंदर। तो अस्पताल ले जाया जाएगा लोगों को, इस तरह की जानकारी वहां दी जा रही है। अमित भारद्वाज, 9 मजदूर निकाल लिए गए हैं, मतलब उन परिवारों के, क्योंकि अब तो एक एक दो दो तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, उनके लिए खुशी की लहर, और इसी के साथ हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। अमित, बिल्कुल अंजना, देखिए सिर्फ परिवारों के लिए खुशी का पल नहीं है बल्कि हम पूरे देश के लिए है। और उत्तरकाशी में जहां हम खड़े हैं यहां पे लगातार पटाखों के फटने की आवाज आ रही है, अंदर जयकारा लग रहा है, और जो वर्कर्स यहां पे साइट पे काम करते हैं वो भी एकदम टक टक निगाह लगा के बैठे हुए हैं कि कैसे एम्बुलेंस निकलेगा, कौन लोग बाहर जाएंगे, किस तरह से बाहर ले जाया जाएगा। तो इन सब के लिए इंतजार की घड़ी बड़ी लंबी थी और बीच बीच में अलर्ट किया जा रहा है, तो उसमें जो है, उस प्रोसेस में देखिए कमोशन है यहाँ पे, और इंतजार यही है कि एक बार स्टेबलाइज जब कर लिया जाएगा तमाम। वीडियो आ गया, वीडियो आ गया, आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड, वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए। ये पहले मजदूर जब निकले हैं तब का वीडियो है, आवाज भी उठा सकते हैं अगर आवाज है तो। जब पहले मजदूर वहां से निकले थे तब की तस्वीर है ये, वाकई मुश्किलों का चट्टान तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया है। बड़ी खुशी और मतलब हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पे एक बार आती है। उनसे धामी साहब भी बात कर रहे हैं, उनसे जनरल वीके सिंह भी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनसे पूछ रहे हैं आप लोग ठीक हैं, ये है, हल्की सी एक मुस्कान दिखती है। बेशकीमती बेशकीमती लम्हा जब चट्टानों को तोड़कर हम अपने मजदूरों को जिंदगी दोबारा दे रहे हैं, वाकई। और जो जिन लोगों ने ये रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया है उनके लिए आज पूरा देश ताली बजा रहा है। मौसमी हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है, मौसमी वीडियो आ गया है जब पहले मजदूर निकले थे और उनसे उनका हालचाल पूछा जा रहा था, मतलब रोज इंतजार करते करते ऐसा लग रहा था कि कहीं आज भी ना टल जाए, शाम होते होते बहुत डर गए थे हम लोग। मौसमी जी, बिल्कुल, देखिए अंजना दुगदुगी बंधी हुई थी जैसे कि मैंने कहा, और यहाँ पे यहाँ लोग निकल गए बाबा बोगनाथ, बाबा बोगनाथ जी के यहाँ पे लगातार
बहुत सक्सेसफुल रहा और बाबा बौखनाथ की कृपा रही। अभी इतवार को 3 दिन पहले बाबा बौखनाथ ने कहा कि मेरे मोती चावल देता है बाबा बौखनाथ। कंपनी वाले धाम पे पहुंचे थे बाबा बौखनाथ के भाटिया गांव में और अभी आ रहे अभी किनारे पे एम्बुलेंस आ रहे आपके पास। यहाँ पे लगातार देखिए अंजना किस तरह से हलचल हो गई। एक वो वक्त था जब एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, बीच में ऐसा लगा कि बचाव कार्य तेज हो गया और अंत पे है, फिर एकदम से 2-4 घंटे का सन्नाटा हो गया और अब एकदम से हलचल लगातार बंधी हुई है। लोग बाहर निकल के जो है आइए पंडित जी से बात करते। पंडित जी मैं नहीं बोलूंगा, हमारे वजीर साहब बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोग बोलो आप लोग। इससे पूर्व 3 रविवार के सुबह प्रातः काल यहाँ जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे अपने पवार जी, वो अपने बाबा बौखनाथ के जो थान है ग्राम सभा भाटिया प्रथम जहाँ बाबा बौखनाथ विराजमान है वहाँ आए, उन्होंने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद के बाद बाबा ने अपने ही बोला कि जितनी भी बाधा होगी, जितने भी बाध्य होगा, मैं उसे पार करूंगा और अपने 3 दिन दिए और 3 दिन के बाद आज यह 3रा दिन है जो हम लोग सब कामयाबी की ओर है। और 41 मजदूर जो फंसे हैं, लगभग 10 लोग बाहर आ चुके हैं, 5 एम्बुलेंस आपके सामने एक साथ निकलने वाली है। तो देखिए अंजना किस तरह से आस्था का समागम था, तकनीक आस्था उम्मीद। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मौसम थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब 12 मजदूर बाहर निकाले जा चुके हैं, पहले जानकारी आई 5 की, फिर 9 की, फिर 12 की और जिस तेजी से अब उन्हें एक एक करके निकाला जा रहा है तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे के अंदर ही सभी मजदूरों को वहां से निकाल लिया जाएगा। वो लम्हा बेशकीमती लम्हा जब पहले मजदूर वहां पर निकाल, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं आ रहे थे कई आशंकाएं सबके मन में घर कर रही थी। शाम होते होते शाम के पहर में परिवार वाले भी मायूस हो रहे थे कि कहीं आज का दिन भी ना टल जाए, लेकिन अब मजदूरों को निकाला जा चुका है, 12 मजदूर निकाले जा चुके हैं, बाकियों को निकाले जाने का इंतजार है। वीडियो सामने है जब पहले मजदूर बाहर निकाले गए और मुख्यमंत्री धामी और जनरल वीके सिंह दोनों उनसे मुलाकात कर रहे थे। एम्बुलेंसेज वहां पर तैयार है और एक एक करके सबको वहां से ले जाया जा रहा है। आशुतोष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, अब जिस तेजी से खबर आ रही है मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, लगभग 1/2 घंटे के इस अंतराल में हम देख रहे हैं कि 12 मजदूर निकल गए हैं। अब उन्हें 1/2 घंटे के बजाय 45 मिनट भी दे दीजिए, 60 मिनट और दे दीजिए, निकाल लें, अपना समय ले लें, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ले लेकिन मुझे लगता है 60 मिनट से ज्यादा का समय अब और बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए जानकारी आने में थोड़ा समय लग जाता है, एक तो इंटरनेट इतना मेहरबान हो गया है यहाँ पे, इतने सारे लोग। 15 मजदूर निकाले जा चुके हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रुक जाइए। 15 मजदूर टनल से निकाल लिए गए हैं और जिस तेजी से अब निकाला जा रहा है लगता नहीं है बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, 1 घंटे के अंतराल में मुझे लगता है तमाम मजदूरों को वहां से निकाल लिया जाएगा। बड़ी खबर, अच्छी खबर परिवार। आशुतोष, 15 मजदूर निकाले गए, 17 कर दीजिए, बता दीजिए सबको, 17 मजदूर निकाले। जैसे इंटरनेट साथ आता है जानकारी मिल जाती है, मैं कंफर्म कर सकता हूँ 17 लोग निकाले जा चुके हैं। रफ्तार देखिए, 30 मिनट में 17 आ गए, अगले 30 से 40 45 मिनट में सारे बाहर आ जाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले दरअसल इंडिया से गर्म कपड़े, कंबल, काफी सारी चीजें अंदर ले गई हैं, गर्म चाय अंदर भेजी गई है, जहां डॉक्टर्स इस समय जितने लोग निकले हैं कोशिश की जा रही है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए यहां जल्दबाजी नहीं कर सकते, वो जहां निकले हैं अंदर 30 से 32 डिग्री तापमान में थे, बाहर इस समय 6 डिग्री है, मेरे हाथ इस समय ठंडे पड़ चुके हैं, लेकिन ये इन लोगों का जोश है, ये जो खुशी है ना, इस समय शायद सारी ठंड हम भूल सकते हैं। यहां पे अंदर जो गए उनको चाय देना, दवाइयां देना और खासकर ये देखना कि उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, इन सबको चिन्यालीसौड़ के स्पेशल जो मेडिकल कैंप बनाया गया है वहां ले जाया जाएगा और हम बस उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब एक एक करके एम्बुलेंस निकलेंगी 4-4 के सेट में। बाहर देख रहे हैं ये एनडीआरएफ के जो काफी कर्मचारी हैं, ये भी हाथों में लेकर के मोबाइल फोन कैमरा और उनके साथ जो दूसरे कर्मचारी हैं, हर कोई इसका हिस्सा रहा है, हर कोई वो लम्हे को देखना चाहता है। अंदर स्वागत होगा तो बाहर भी स्वागत होगा, जयकारों की आवाज रुक नहीं रहे, रुक रुक करके भारत माता की जय के जो है जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। और जैसे वो बाहर आते हैं, परीक्षण जरूरी है लेकिन हमें विशेषज्ञ लगातार अंजनाएं बताते रहे कि वो शारीरिक रूप से मजदूर हैं, इस सुरंग को जानते हैं, यहाँ के पहाड़ को जानते हैं, ढर्रे को, स्ट्रक्चर को जानते हैं, हर चुनौती जानते हैं, लेकिन 17 दिन तक अगर आप किसी अंधकार में फंसे हों, इस उम्मीद के साथ जो टूट जाती थी शाम को कि हम बचेंगे भी नहीं बचेंगे, ऐसे में मानसिक ट्रॉमा, एक जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है वो बहुत बड़ी चुनौती है।